मोटोरोला वन पावर आज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है एंड आज ये देखते हैं क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकेशन के बारे में और क्या इसकी जो है इंडियन स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या कैमरा मिलता है इसमें, कितनी प्राइस रेंज मिलती है आपको इस फोन में एंड कितनी बैटरी मिलती है। तो गाइस इस वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, चलते अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस ये है एंड्रॉइड फोन जो कि 6.2 इंच FHD प्लस डिस्प्ले आता है। पीछे इधर आपको डिजिटल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, एक मोटोरोला की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, मोटोरोला की ब्रांडिंग के अंदर एक फिंगरप्रिंट स्कैन देखने को मिल जाएगा एंड ये रन कर रहे हैं एंड्रॉइड वन पे जो कि कॉपरेशन बाय गूगल है, जो कि काफी अच्छी बात है। स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम कंट्रोलर देखने को मिल जाएंगे, पावर बटन देखने को मिल जाएगा, नीचे की तरफ देखें तो आपको स्पीकर ग्रिल्स और एक USB-C टाइप पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात लगी है। एंड अब फोन को फटाफट कर लेते हैं हम स्वाइप अप और एक देख लेते हैं एक बार अनलॉक करके फोन में क्या मिलता है। हम जाते हैं सेटिंग्स में फोन की और सेटिंग्स में लेते कौन सा एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलता है। मुझे कंफर्म है कि एंड्रॉइड 8 देखने को मिलेगा एंड ये अपग्रेडेबल है एंड्रॉइड 9 तक। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एंडिनो का 510 GPU जो कि काफी अच्छी बात लगी एंड जो इसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 636 काफी अच्छी प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में जो कि 6000 रुपीस में। और इसमें जो कैमरा मिल देखने को मिल जाएगा 16+5 मेगापिक्सल का जो कि काफी अच्छी बात है F1.9 एपर्चर के लेंस के साथ में और फ्रंट कैमरा मिल जाएगा आपको 12 मेगापिक्सल का लेकिन 12 मेगापिक्सल का F2.0 एपर्चर के साथ में। इसमें 4GB 64GB का वेरिएंट और यही एक वेरिएंट लॉन्च हुआ है 16000 रुपीज में। काफी अच्छे कैमरा के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे 5000 mAh की बैटरी के साथ में एंड इसमें प्रीलोडेड एप्स भी आपको काफी अच्छी दे रखी है एंड देखो तो आपको एक ईयरबड्स और कैमरा दे रखा है और एक सेंसर दे रखा है और ये है मोटोरोला का वन पावर। अच्छी पीछे मेटेलिक डिजाइन दे रखा है, काफी अच्छी बात लगी मुझे और ये काफी बजट डिवाइस है। ऊपर की तरफ 3.5 mm जाए दे रहे, काफी अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगी और इस बार 4K रिकॉर्डिंग भी इनेबल होगी। तो ये छोटा सा रिव्यू था क्योंकि इस रिव्यू था इस फोन का देगा और इसमें जो है गूगल लेंस आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इंटरनल स्टोरेज में एक आपको ऐप होती है गूगल लेंस वो आपको देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। मुझे काफी अच्छा लगा गूगल लेंस जो है इसमें इस फोन में देंगे और अच्छी है ये फोन और बाकी मुझे स्पेसिफिकेशन फोन की काफी अच्छी लगी और कैमरा अच्छा लगा मुझे फोन का। और अब मेरा ओपिनियन है 16000 का तो 16000 का फोन लॉन्च करा है मोटोरोला ने जो कि काफी अच्छा होने वाला है और इस जो फोन लॉन्च करा है मोटोरोला ने ये शायद कंप्लीट कर सकता है रियलमी 2 प्रो को। तो रियलमी 2 प्रो भी अभी इंडियन मार्केट में काफी जल्द आने वाला है और क्या पता उसकी प्राइस रेंज कम हो या फिर ज्यादा हो, कुछ अभी उसका कह नहीं सकते क्योंकि 4GB 64GB स्नैपड्रैगन 845 ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है फ्रंट में, सिंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल साथ में और FHD प्लस डिस्प्ले मिल रही है और एंड्रॉइड 8 ओरियो मिल रहा है, काफी अच्छी बात लगी मुझे। मेन हाईलाइट्स तो ये लगे और स्नैपड्रैगन 636 मिल रहा है और इंटरनल जो है 64GB मिल रही है तो ठीक फोन है। अब 16000 के हिसाब से अभी के हिसाब से तो ठीक है, अब रियलमी 2 प्रो शायद अगर इससे महंगा लगेगा, मेरे हिसाब से महंगा लगेगा नहीं, अगर महंगा लगेगा तो फिर ये फोन शायद थोड़ा बहुत लैग करेगा अपनी इंडियन मार्केट में। बाकी फोन अच्छा है, अमेज़न डॉट इन में अवेलेबल हो जाएगा 5 अक्टूबर से, आप उधर से अपना रजिस्टर करा सकते हो। तो आज से रजिस्ट्रेशन चालू होगी, अब ओपन सेल जो है 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी इसकी 5 अक्टूबर से। तो बस ये था इतनी वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, अगर आपको वीडियो तो लाइक देना वीडियो कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो, ये काफी क्विक वीडियो तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करी। तो बस वीडियो करते हैं, तो फिर जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, पीस एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।